हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्यूटोरियल पार्ट 18। और बेसिकली इसमें हम लोग सीखेंगे फील्ड बॉक्स कैसे इंक्लूड किया जाता है और लेजेंड एलिमेंट कैसे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पिछले वाला पार्ट का कोडिंग है और इसी को हम लोग एडिट करेंगे, इसको हम लोग डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो फील्ड बॉक्स बनाएंगे या लेजेंड एलिमेंट डालेंगे तो इसी से काम चल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एडिट करूँगा इसी को, और बेसिकली ये फॉर्म एक्शन का नीचे ही होने वाला है और इसमें हम लोग डालेंगे फील्ड बॉक्स। तो मैं बनाने के बाद आपको समझाऊंगा और बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा फील्ड बॉक्स होता क्या है बेसिकली। तो मैं लिख देता हूँ फील्ड बॉक्स, या आप लिख सकते फील्ड सेट। फील्ड बॉक्स नहीं होता, फील्ड सेट होता है, हम लोग उसको फील्ड बॉक्स बुलाते हैं, कोडिंग में फील्ड सेट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख दिया है, ये टैग को इसको बंद भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली इधर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं चाहूँगा तो इसको जस्ट फॉर्मेट का इधर, इधर जस्ट पेस्ट कर देता हूँ उसको और हम लोग बैक स्लैश लगा देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इसमें और थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं कुछ और कोडिंग कर देता हूँ, जैसे नेम यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो मैं नेम बॉक्स भी इंक्लूड करूँगा जिससे आपको समझने में और अच्छा होगा। नेम बॉक्स, नेम को हम लोग यूज़ करेंगे और इसमें इनपुट करेंगे नेम बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल इन्वर्टर कॉमा टेक्स्ट कर देते हैं इसको, और उसको क्लोज करते हैं और टैग को बंद कर देते हैं। तो इतना ही है, और इसको हम लोग कर देते हैं सेव और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे गाइस आप देख सकते हैं, ये एक बॉक्स क्रिएट हो गया और ये बॉक्स के अंदर ये सब सामान आप देख सकते हैं। तो बेसिकली गाइस, आप बहुत सारे वेबसाइट में देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना रहता है, डिफरेंट फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो ये जो बॉक्स है इसको आप बोल सकते हैं फील्ड बॉक्स, या जब आप कोडिंग करते हैं इसको आपको लिखना पड़ता है फील्ड से। बेसिकली ये बॉक्स एक फील्ड को इंडिकेट करने के लिए बना जाता है और फील्ड के अंदर बहुत सारा चीज़ आप बॉक्स इंक्लूड कर सकते हैं। मैं तो तीनों बॉक्स इंक्लूड किया, ऐसे आप बहुत सारा बॉक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। अभी हम लोग करेंगे लेजेंड एलिमेंट का यूज़, और लेजेंड टैग भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेजेंड टैग को यूज़ करते हैं। तो मैं पहले एक फील्ड सेट का जस्ट नीचे लेजेंड यूज़ करूँगा, इधर मैं यूज करने वाला हूँ लेजेंड और इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ लिख रहे हैं रेलवेज फॉर्म का कुछ कैटेगरीज रेलवेज, और इसको हम लोग बंद कर देते हैं और इसको हम लोग लेजेंड को बंद कर देंगे और इसको जस्ट हम लोग सेव कर लेंगे। तो इसको फिर रिफ्रेश करेंगे तो जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं, ये एक फील्ड हो गया रेलवेज़ के बारे में। अगर आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारा रेलवेज़ का जो फॉर्म निकला था कुछ दिन पहले, तो ऐसे ही बना रहता था जिसमें आपको समझ में आता था कि ये रेलवेज़ के लिए फॉर्म है। इधर और बॉक्स बना सकते हैं, जैसे आप डिफरेंट जैसे IIT और BCA ऐसे ऐसे अलग अलग इंटर का एग्ज़ाम जो होता है उसका बॉक्स बना सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे फील्ड बॉक्स को बनाते हैं और उसके अंदर क्या क्या डालते हैं। तो लेजेंड एलिमेंट का ये है कि आपको फील्ड का लेजेंड बना देता है, ये वर्ड को मान ले ये रेलवेज को लेजेंड बना दिया फॉर फील्ड का, तो ऐसे लिखा जाएगा। और इवन फील्ड सेट का मतलब जितना भी अंडर का बॉक्सेस होगा उसको एक कैटेगरी से एक बॉक्स के अंदर कोटेड किया जाता है। तो गाइस, ये वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।